बस थोड़ी देर में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। नहीं, 8 बजे का कहा था, लेकिन मैंने उसको सारी फाइल जो है वो उसमें डाल के भेज दी थी। एक मिनट, तुझे बाद में फोन करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल नौजवान? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। खैरियत? अचानक यहाँ पे? हाँ, वो मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। नहीं यार, तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। मुझसे मिलने के लिए आए? पहली दफा आपको इस तरह इतना खुश देख रहा हूँ, अजीब सा लग रहा है। मुझे भी अजीब लग रहा है। अच्छा सुनो यार, सुबह नाश्ता किए बगैर घर से निकला, असमा भी बहुत परेशान था, बार बार कॉल्स कर रही है, उससे झूठ नहीं बोल सकता। मुझे बताओ यहाँ कोई रेस्टोरेंट बल्कि ढाबे का नाश्ता करते हैं, कोई ढाबा है यहाँ पे? हाँ है तो काफी सारे रेस्टोरेंट, लेकिन अब आप आ ही गए तो अम्मी जी के हाथ का खा लीजिए, बहुत खुश होंगी। वो स्वीट उनके हाथ का भी खाना खा लेंगे, किसी और दिन आ जाओ। अभी मेरे साथ किसी ढाबे चलो भाई, बातें बातें करते दोनों भाई, खाना खाते नाश्ता करते। चले चलते। कहाँ जा रहे हो? गाड़ी। बहुत ही कंजूस आदमी हो, सवारी यूज करो भाई, मुझे भी सैर कराओ ना कभी। आप कंफर्टेबल होंगे? अरे मोर देन कंफर्टेबल होंगे, बैठिए तो सही। आप तो कंफर्टेबल होंगे ना भैया? मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, मैं रोज ही चलाता रहता हूँ। बस ठीक है, अक्सर गाड़ी चलाते चलाते बाइक की आदत नहीं होती ना। हाँ। तो मैंने कहा पूछ लूँ। अच्छा बस नहीं लगता। और जो भी कर लो, गिराना नहीं है मुझे। अच्छा यहाँ है एक। आगे है? लाओ मैं ले जाती हूँ, कर सकती हूँ मैं सब कुछ, खुद जी भी सकती हूँ, अपनी बेटी को पाल भी सकती हूँ बिना किसी सहारे के। तुम सब लोग क्यों मुझे मजबूर और लाचार साबित करने पर तुले हुए? अपाहिज नहीं हूं मैं, हाथ पैर सलामत है मेरे, नहीं चाहिए मुझे किसी की मदद।